जय श्री कृष्ण दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे व्लॉग में। तो दोस्तों, अभी मेरी नानी चाय पी रही है, आप देख सकते हो, एकदम मिट्टी के मटके में चाय पीती है मेरी नानी, इसलिए इतनी स्वस्थ रहती है। और अभी हम सब उठ चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, बिस्तर अभी तक ऐसे ही है, यानी कि हम सब उठ चुके हैं और सब लोग अपने काम में व्यस्त है, जैसे कि कोई नहा रहा है। और ये मेरे मामा जी है, जो कि मेरी नानी के साथ अभी बातचीत कर रहे हैं। नमस्कार मंडले जगा तो ले जा रहे लगा। और सब लोग अपने काम में व्यस्त है, जैसे कि मेरी मम्मी चाय बना रही है। और ये देखिए सुबह दोस्तों, सुबह के 6 बजे का कुछ ऐसा व्यू होता है। ये है हमारा देसी गैस, यानी कि चूल्हा। यहाँ पर हम आग सेकते हैं, बहुत ही गर्मा गर्म आग देता है ये। वो रही हमारी गाय। और दोस्तों तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी नानी गाय से दूध कैसे निकलती है, देसी गाय का दूध कैसे निकलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये हमारी गाय है और ये मेरी नानी है। ये दूध ऐसे निकालती है गाय का, देसी दूध। थोड़ी ये देखिए दोस्तों, कैसे मेरी नानी दूध निकाल रही है गाय का, देसी गाय का दूध। ये देखिए आधी बाल्टी भर चुकी है दूध से। ये हमारी गाय है और ये उसका बछड़ा है, दूसरी गाय है। और वो हमारा दूसरी गाय है और ये उसकी बछड़ी है, फीमेल है। ये देखिए मेरी नानी गाय का देसी दूध निकाल रही है, कितना सारा दूध निकल गया है गाय का देसी दूध। ये देखो, ये देखिए दोस्तों, अभी मेरी नानी ने मेरी गाय का दूध निकाल लिया है अभी। ये देखिए मेरी नानी ने अभी देसी गाय का दूध निकाल लिया है और ये इतना सारा दूध निकला है। मैं जाऊंगा, ये बूढ़ी है मेरी नानी, बूढ़ी है मेरी नानी। मेरी नानी अभी बाल्टी से दूध लेकर जा रही है। ये देखिए दोस्तों अभी मेरी माँ से अभी तुलसी की पूजा कर रही है, तुलसी की पूजा की तैयारी कर रही है। तब तक मैं आपको मेरी नानी और मेरी मम्मी बता दूँ क्या। मेरी नानी बर्तन धो रही है। आओ तो चलो अभी पूजा करते हुए वीडियो बनाते हैं मेरी मासी का। अभी दीवा लगा रही है मेरी मासी, ये देखिए। यहाँ पर पीछे रुमाल के पीछे मेरे नाना जी है। ये देखिए अभी घी लगा लिया है, अभी दीवा लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी मेरी मासी अभी कुमकुम लेने आई है यहाँ पर मंदिर में। ये हमारा मंदिर है, प्यारा सा मंदिर है हमारा। यहाँ पर कुमकुम लेने आई है, नानी के घर का मंदिर है ये। ये मेरे नानी के घर का मंदिर है, बहुत ही प्यारा, जहाँ पर रोज में मेरी मम्मी सुबह उठ के 4 बजे नहा धो के पूजा पाठ करती है और ठाकुर जी के मंदिर की भी पूजा करती है। उसका भी मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊंगा। हाँ, वहाँ का भी व्लॉग बना के जरूर हम दिखाएंगे आप सभी को। और माता रानी का भी एक बड़ा सा मंदिर है, उसका भी व्लॉग बनाएंगे। पूजा की सारी सामग्री आ चुकी है, अभी बस पूजा करना बाकी है। पूजा हमारे घर में ही होती है, इसलिए हम सारी चीजें घर में हाथ में लेके जाते हैं। हाँ,
तो चलिए अभी पूजा करते हैं। कार्तिक कार्तिक मास चल रहा है, तो कार्तिक मास की हम लोग हमारा 12 मासिक का उपवास चल रहा है। तो उपवास में कार्तिक महीने में तुलसी जी की पूजा की जाती है, इसलिए हम लोग तुलसी जी की पूजा करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं और तुलसी जी की पूजा करते हैं। और मेरा तो 4 महीना है, अभी 4th महीना चल रहा है, मतलब उपवास में एक ही टाइम खाना खाते हैं शाम को। तो 4 महीना हो गए मुझे, 12 मास है यानी 12 महीना करना पड़ता है। तो 12 महीने का उपवास चल रहा है हमारा। और पूर्णिमा को जाएंगे हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार नहाना जरूरी होता है उसमें। हम हरिद्वार का भी एक अलग से व्लॉग बनाएंगे। तो अभी दिया लगा देते हैं, तुलसी माता को दिया लगा देते हैं। कोई स्टॉप कर। अभी दीवा लगा दिया है मेरी मासी ने, अभी पूजा करेंगी। मेरी मासी अभी पूजा करी है तुलसी की और सूर्य देव की। पूजा हो गई है, अभी मेरी माँ से जल चढ़ाएंगी तुलसी जी को, तुलसी माता को। ये देखिए दोस्तों, तुलसी माता को अभी मेरी माँ से जल चढ़ा दिया है। तुलसी माता को प्रणाम भी कर लिया है। कार्तिक महीने में जरूर तुलसी की पूजा करें, चाहे उपवास करो या ना करो, करना ही चाहिए। तो अभी सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे। हाँ, जल लेना हूँ। मेरी माँ से भी सूर्यदेव को जल चढ़ा रही है। पूजा हो गई, अभी जल चढ़ा रही है मेरी मासी। प्रणाम कर लिया है सूर्यदेव को मेरी मासी ने। तो दोस्तों, अभी मैं ब्लॉग को यहाँ पर एंड करता हूँ। आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये पूजा वो सब कैसा लगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे। तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में, तब तक राम राम, जय श्री कृष्ण।